सलामकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? और मैं आज सुबह और सुबह ही सुबह, क्योंकि आजकल मैं सुबह इसलिए निकल रहा हूँ कि थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग मज़ा आता है, काम करने का जो मज़ा है वो अर्ली मॉर्निंग ही है। अच्छा, जहाँ पे मैं, आपने एक शॉट देखा होगा शुरू में कि क्या क्या चीज़ है, इतना सारा एक आपने देखोगे सामान रखा है, कोई सामान नहीं है। हम आज एक छोटी सी इंडस्ट्री में मौजूद हैं और हम ये दिखाएंगे आपको कि शर्ट जो आप मामूली सी शर्ट समझते हैं वो किस तरह से तैयार होती है और उसके ऊपर कितनी मेहनत लगती है, जो हम लोग बस घर में थकन के बाद ऐसे उतारी और ऐसे फेंक दी, वो किस तरह से तैयार की जाती है। तो मेरे साथ ऑनर मौजूद हैं, दूसरी आवाज़ होगी ऑनर की। भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मुझे थोड़ा सा प्रोसेस समझाएंगे, जो हम ये टी शर्ट्स पहनते हैं, आम टी शर्ट जो हम पहन रहे होते हैं, जैनब से खरीद ली, लालू खेत से खरीद ली, तो इसमें कितनी मेहनत है? तो बहुत मेहनत लगती है माल बनाने में। दुकान पे माल तैयार होकर जाता है तो वो हर कोई दिखा रहा होता है ये, लेकिन कारखाने में किस तरीके से बनती, कितनी मेहनत लगती है, आइए आपको। अरे चलिए चलिए, जरूर आइए। रास्ते कठिन है और जाना भी है, मैं थोड़ा सा बच के चल रहा हूँ ताकि कोई किसी कपड़े पे पैर ना लग जाए और वो गंदा ना हो जाए। तो दोस्तों ये है प्रोसेस, कटिंग का प्रोसेस है ना? ये कटिंग का प्रोसेस है, ये पजामे के सैंपल कटे हैं ये। अच्छा। ये सैंपल कटेंगे तो ये प्रोडक्शन के अंदर बाद में आएंगे, पहले सैंपल बनता है, सैंपल बनने के बाद फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। अच्छा, जो गत्ते का पजामा पहनना चाहे वो ले जाइए। ये गत्ते का पजामा तो पैटर्न ही होता है असल। अच्छा, में बेसिक। मैं इसमें शायद गत्ते के भी पजामे तैयार किए जा रहे हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर ना पूरे मैप सा बना दिया है और ये आप मैप देख रहे हैं, ये मैप है जो पजामा आप पहनेंगे, जो आपको लगेगा यार सॉफ्ट है, यहाँ से खींच रहा है, तो वो यही वाला वो जो मैप है ये वही मैप है। तो आगे की तरफ चलते हैं हम, ये तो पजामे का प्रोसेस चल रहा है, फिर हम सिंगर पे चलते हैं जहाँ पे फिर जिबे वगैरह लगती है। सिंगर सिंगर मशीन पे चलते हैं। आइए, आज लाइट आ रही है या आती रहती है? अब वो वहाँ पर कटने के बाद पहला इसका प्रोसेस है, ये जिबे वगैरह लगती है इसके अंदर साइटों पे। अच्छा, फर्स्ट स्टेप जो हमने देखा था कि वो कटने के बाद यहाँ पर आ जाता है और कटने के बाद जो उसकी सूरत हाल होती है ना ऐसी होती है, ये यहाँ पर मौजूद है और आप देख रहे हैं बहुत स्ट्रेचेबल इसका कपड़ा है। और ये क्या चीज है? ये पॉकेट्स हैं जो अंदर जाती है। अच्छा, दिखने में रुमाल सा लग रहा था, ये पॉकेट्स हैं और पॉकेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद सिंगर की ये मशीन है और ये भाई जो है सिलाई कर रहे हैं, जिप लगा रहे हैं, और जिप तो पजामे की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर ये जिप लगने के बाद ओवरलॉक मशीन के ऊपर ही जाता है, ओवरलॉक मशीन के ऊपर चला जाता है। चल रही है जिप लगने के बाद, फिर ओवरलॉक की इन्हीं मशीनों के ऊपर साइटें लगती हैं। साइटें लगने के बाद फिर सीटों के लिए जो साइटों पे सिलाइयाँ लगी हुई होती है वो फिलेट लॉक पे जाता है, वो फिलेट लॉक आगे मशीन है। ये सारी ओवरलॉक मशीन है, ये ओवरलॉक मशीन है, ये ओवरलॉक की जा रही है और काफी मजबूत है ये। चार धागे चलते हैं हमारे ओवरलॉक। भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये इसके बाद ओवरलॉक के बाद आने के बाद ये फिलेट लॉक पर आता है। अच्छा, पजामा भी इसी प्रोसेस से आता है जो अभी जिप लगने के बाद इधर ही आएगा ओवरलॉक के लिए आता है, ओवरलॉक के बाद फिर फिलेट लॉक पे आता है, फिलेट लॉक के बाद फिर आपके ओवरलॉक पे चले जाता है कंप्लीट होने के लिए माल। तो ये प्रोसेस, ये अभी बार बार फिलेट पे आना, ओवरलॉक पे जाना, ये चलते रहता है। अच्छा अच्छा, ये इसको कह सकते हैं कच्ची है या ये सिल गई है? ये असल में फिलेट के ऊपर अब ये कम्प्लीट हो रही है, आपकी नेम और बॉडी एम बन रहा है इसका, तो ये प्रोसेस प्लेट का कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, अच्छा मुझे बताइएगा कि आप लोग ये दुकानदारों को ही काम बनाते हैं या कोई आम बंदा भी आके आपसे बनवा सकता है? असल में ये 10 पीस 5 पीस 20 पीस ये वो वाला काम नहीं है, ये वो वाला काम नहीं है, ये असल में होलसेलर होते हैं वो ही बनवाते हैं हमारे से, तो इनकी क्वांटिटी यहाँ होती है, क्वांटिटी होती है। तो ये इसके अंदर डिज़ाइन इतने होते हैं और साइजेस भी होते हैं, तो हम 10-10, 20-20 के लिए एक तो डिज़ाइन काटना, उसको संभालना, फिर मशीन पर चलाना, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, वो आसान नहीं। तो वो ऑनलाइन के लिए अलग बंदे बैठे हुए हैं तो वो काम करते हैं, उस हिसाब से फिर वो रेट भी लेते हैं ना।
सही। अच्छा देखें यहाँ पर ओवरलॉक हो रही है और ओवरलॉक अच्छा फ्लैट लॉक हो रही है और देखें किस तरह ये फ्लैट लॉक हो रही है जो आपके आस्तीनों में होते हैं, आप कहते हैं यार आस्तीन उखड़ गई, तो यहाँ पर बड़ी मजबूती से उसको बनाया जा रहा है। ये अभी तो फिनिशिंग पे नहीं है, अनकम्प्लीट माल है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। फिर ये होने के बाद आइए आइए, ये आता है यहाँ पर स्टिकर वगैरह लगते हैं ढाप मशीन से, एम्ब्रॉयडरी ये मशीन है हमारी, एचटीएल भी कहते हैं, ढाप मशीन भी कहते हैं, ट्रांसफर हीट भी कहते हैं इसको। अच्छा ढाप मशीन भी कहते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि जो लोग हमारे डिज़ाइन पहने हुए होते हैं, ये जो डिज़ाइन बना हुआ होता है, तो ये वो मशीनें यहाँ पर उस डिज़ाइन का सैम्पल रख के, जैसे ये सैम्पल है और छोटू मुझे करके दिखाएंगे, ये देखिए ये देख ये एम्ब्रॉयडरी अलग हुई है, एम्ब्रॉयडरी ये जो पोलो का एम्ब्रॉयडरी अलग हुई की, ये पोलो के ये राइटिंग आ गई है, ये तो ये कंप्लीट होके अब अभी देखिए ये आपके सामने एक दूसरा, और ये स्टिकर लगा दिया। ये तो काफी गर्म होगा, गर्म होता है, हीट होती है, हीट की वजह से, लेकिन फौरी ही हटा दिया है। तो उसको कितना टाइम चाहिए फिर इसके बाद हम इसको उखाड़ सकते हैं? ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद फिर ये निकालेंगे, इसका पेपर अभी जरा गर्म हो रहा है, तो ये थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर इसका पेपर निकालते हैं, ये इससे पहले जो लगा हुआ है अब इसको उठाते हैं हम। ये देखिए ये यूएस पोलो देख रहे हैं आप। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फिर ये यहाँ से फिर क्रोपिंग पे जाता है माल, क्रोपिंग होने के बाद फिर ये फिनिशिंग के ऊपर माल चले जाता है, चेकिंग पे, पैकिंग, प्रेस। आइए मैं तो आपको किस तरह से दिखाते हैं, आइए पहले हम क्रोपिंग की तरफ चलते हैं। क्रोपिंग ये अच्छा यहाँ पर ये कुछ ये डोरियां टाइप की मौजूद हैं जो पजामे की डोरियां हैं, ये तो अच्छा यहाँ पजामा पड़ा हुआ है जी, ये वही पजामा है जो मशीन पे बन रहा है जी, मशीन पे बन रहा है, ये वही पजामा है, इसके अंदर ये कंप्लीट हो गया। अब ये यहाँ पर आया डोरियां डलने के लिए, अब ये डोरियां डलेगी तो ये कंप्लीट होके फिनिशिंग पे माल चले जाएगा, ये तो वहीं पे चेक होगा माल, प्रेस होगा, पैकिंग होगा, फाइनल शक्ल में आ जाएगा। अच्छा वो मैप जो मैंने आपको दिखाया था, वो मैप उस माल कटने के बाद फिर मशीन पे आ जाता है, जिस तरह के वो रुमाल टाइप के मौजूद थे वो उसके बनने के बाद ये ओवरलॉक पे जाता है, जाने के बाद यहाँ पर मौजूद है वो ओरिजिनल शक्ल में, ये है पजामा, ये देख ये ज़बरदस्त, और इसके ज़िप जो है वो भी बड़ी क्वालिटी में है, ये भी अच्छी ज़िप है। और आपके सामने ये शर्ट की फिनिशिंग हो रही है, क्रॉपिंग की जा रही है, अरे ऐसा हुआ है कभी कभी शर्ट कट गई? नहीं नहीं ऐसा कभी भी, हाँ कट गई तो पूरी खराब हो जाएगी, बहुत कम होता है बाई चांस, कभी कभी हल्का सा क्लिपर लग जाता है तो हल्का सा कट आ जाता है तो रफू बना देते हैं, लेकिन उसको फिर मार्केट नहीं किया जाएगा, नहीं मार्केट नहीं जाएगा, फिर वो बी में जाता है माल, बी में जाता है। तो वो बी क्वालिटी का क्या, जो कहते हैं बी क्वालिटी, ए क्वालिटी, सी क्वालिटी, नहीं असल में ये बी क्वालिटी का ये पत्थारे वगैरह में जो होता है तो वो लोग ले जाते हैं ये, तो वहाँ पर बेचते हैं थोड़े रेट कम करके। इसके बाद क्या, इसके बाद अब हमारा जाएगा फिनिशिंग डिपार्टमेंट पे, जहाँ पे छांटी होगा माल। आइए ये अभी हम आ गए यहाँ पर, जो क्रोपिंग हो रहा था, क्रोपिंग होने के बाद अब ये पीस छांटी हो रहा है यहाँ पर, अगर जिसमें छांटी होने से क्या मुराद है, ये छांटी होने से मुराद ये है कि पीस को पूरा चेक किया जाता है, जहाँ पे अवर्ड लॉक का अल्टर तो नहीं है, सिंगर का कोई अल्टर तो नहीं है, अगर अल्टर होता है तो वो हथकैद बन के फिर ये फ्रेश पीस जाता है ये। अच्छा यहाँ पर देखे ये पहले से मौजूद है और ये आप देखे इसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है, और जो सॉर्ट आउट करने वाले हैं उनकी नज़रें ना बिल्कुल शाहीन की नज़र होनी चाहिए, उनकी बिल्कुल जमी हुई नज़र होती है कि इसमें कोई भी पीस ऐसा ना चला जाए कि कोई शिकायत आए और
चेंज हो या दुकानदार की तरफ से कस्टमर की तरफ से कोई शिकायत आए। ये देखिए जहां जहां सिलाई हुई है उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है और काफी सारा यहाँ पर एक जत्था मौजूद है जो यही काम करता है। अच्छा आप तो स्पेसिफिक बस यही काम करते होंगे हैं भाई जी, आप तो यही सिलेक्शन में मौजूद होंगे सॉर्ट आउट करने के लिए। यहाँ भाई मौजूद हैं और देखिए काफी सारे जो धागे निकल जाते हैं जो जो रह जाता है वो आप घर पे काट लेते हैं, लेकिन इससे पहले ना यहाँ पर इसकी अच्छी तरीके से सफाई की जाती है। इसके बाद यहाँ से ये प्रेस पे जाएगा और प्रेस इसके ज्यादा दूर नहीं है, करीबी मौजूद है। आप देखें बस यहीं से पलट के पीछे की तरफ हमें जाना है, अब इस तरफ मौजूद है। और ये वो वाला यूएस पोलो है जो हमने स्टार्ट में ही देखा था। अब ये प्रेस कर रहे हैं, ये वो यूएस पोलो है जो हमने आपको स्टिकर दिखाया किस तरह से प्रेस होता है, और आज ये प्रेस पे मौजूद है और इसको पछाड़ दिया है। पानी निकल रहा है क्या? बॉयलर स्टीम की वजह से ही है। अच्छा बॉयलर पीले जब भी तो हमारी घरों में ऐसी स्त्री नहीं होती कि हम उसको करते हैं और उसमें मजा नहीं आता। यहाँ पर तो स्त्री चेंज है, आयरन यहाँ का बहुत चेंज है। एक्स बना दिया और इसकी बैक है, बैक के ऊपर इसको प्रेस किया जा रहा है। इससे अंदाजा हो रहा है कितनी गर्म हुई है। तो ये एक तय हो गई है, एक स्लिप्स को उठा के यहां पर रख दिया है, ये दूसरा हो गया और ये सीधी कर लें। भाई हम तो घरों में पिन लगाते रहते हैं और निकालते रहते हैं बस, उसके कभी भी ऐसी नहीं हुई कि यहाँ से जो जाती है ना, ना आप कर सकते ना मैं कर सकता हूँ देखने के बाद भी। और ये अच्छा ये फ्रेम था, मतलब गत्ता लगेगा। और ये देखिए प्रेस के बाद कितनी फिनिशिंग आ गई है भाई, एक दिखा दिएगा हमें उठा के मेरे व्यूवर्स को। ये देखिए भाई फिनिश होने के बाद कितना स्मूथ ये हो गया है, कपड़ा हो गया है। ये देखिए अब लग रही है कोई ये जबरदस्त चीज है। अब ये प्रेस के बाद पैकिंग पे जाएंगे हम, और पैकिंग तो ये रही, अब हम पैकिंग की तरफ मौजूद हैं और पैकिंग के माल का ऑर्डर दे दिया है। जो पैक होना है वो भी बस आपके सामने आएगा और वही वही पोलो वाली शर्ट है ये आई, और ये आ गई है पैक होने के लिए। और यहाँ पर थैलियाँ मौजूद हैं और ये टैग उठाया, टैग लगा दिया भाई, ये गई। तैयार ये शक्ल में ये फाइनल हो गया पीस ना, तो अब ये देखिए भाई ये फाइनल हो गई यूएस पोलो। और आपने देखा कि कितना चला चला के मुझे यहाँ पर ला के थका दिया, और ये कोई आसान नहीं है कि हम जो जिस तरह से उतार के फेंकते हैं उस तरह की नहीं है। और यहाँ पर ब्लैक कलर मौजूद है, ये ब्लैक है, और यहाँ पर देखिए दूसरा कलर मौजूद है, ब्राउन कलर है। ये दूसरा माल, अब ये दूसरा माल जो है वो कंप्लीट है, और कंप्लीट होने के बाद ये आप दुकानों पे जाएगा और वहाँ से आप इसे परचेज बा आसानी कर सकते हैं। क्योंकि आपको दिखाने का मतलब यही है कि इसमें कितनी मेहनत है और जो चीज़ आइडिया लेना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए कितनी आसानी हो जाएगी। ये देखिए ये भी गई, अब ये रख दिया।
अच्छा मुझे बताएं कि एक शर्ट को तैयार करने का कितना अमल है, और या हम उसका जो आपका ग्रूस होता है या टेप होती है वो कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये एक लॉट जैसे 300 पीस की लॉट होती है, असल में पहले प्रोसेस ये होता है कि माल कटता है, माल कटने के बाद एम्ब्रॉयडरी होती है, एम्ब्रॉयडरी पे जाता है, सही है, प्रिंट होता है तो प्रिंट पे जाता है, प्रिंट होने के बाद फिर कारखाने में आता है, फिर मशीनों पे प्रोसेस चलता है अलग अलग मशीनों पे, तो एक लॉट 3 दिन के अंदर तैयार होती है। एक लॉट 3 दिन के तैयार हो जाती है? एक कलर या दो कलर? पूरी लॉट 300 पीस, पूरी लॉट 300 पीस, 4 कलर हो, 5 कलर हो या 6 कलर हो, जो भी हो। तो वो अपनी मर्जी से कलर इसमें ऐड कर सकते हैं? इसमें अपनी मर्जी से 12 कलर का होता है, ये 18 कलर आते हैं, तो उसको सब में डिवाइड करते हैं। अच्छा, तो ये काम बनवाते हैं वो कपड़ा अपना लाते हैं या आप अपने पास से कपड़ा यूज करते हैं? इसका हम CMT बनाते हैं, वो अपना कपड़ा भी देती है, हम अपने कपड़े के ऊपर भी माल बना के देते हैं दुकानों पे। तो ये जो माल हमसे सिलवाते हैं, हमारी डिमांड नहीं कि हमसे ही ले, अपना कपड़ा भी वो लेके आते हैं, हमारे कपड़े से भी लेते हैं, जिनकी जिस तरीके से डिमांड होती है उस तरीके से हम बना के देते हैं। तो अगर मैं बात करूं 2 साल पहले की, तो ये शर्ट कितने की होगी और महंगाई के बाद भी कितने की आप यहाँ से दे रहे होंगे? 2 साल पहले तकरीबन ये सिंगल जर्सी कपड़ा 625 रुपये, 650 रुपये, 700 रुपये के दरमियान था, और अब ये कपड़ा बढ़ते 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 1.5 साल के अंदर अंदर तकरीबन ये 1400 रुपये किलो तक पहुंच चुका है कपड़ा। यानी कि अच्छा, कपड़ा किलो के हिसाब से? हाँ, किलो के हिसाब से कपड़ा बिकता है। सिंगल जर्सी भी होता है किलो के हिसाब से, लेकरा जर्सी होता है, ड्राई फिट होता है, पॉलिस्टर होता है, अलग अलग वैरायटी होती है कपड़े की। जैसा आपने मुझे बताया कि 300 उसमें जो 300 पीस होते हैं, 300 पीस वो कितने तक में बन जाते हैं? मेरे दोस्त अगर नया काम शुरू करना चाहें कितने तक में वो 300 पीस बन जाते हैं? ये समझ लें कट्टू पेट कारखाने के अंदर हम इसलिए नहीं बता सकते, ये जो पार्टियों का मसला होता है क्योंकि होलसेल उनका भी अपने इन्वेस्ट लगी होती है, ठीक है, ये जरा नहीं बता सकते भाई, ये तो रास की चीज़ें नहीं बता सकते, वो ये वही बिरयानी वाला मामला है कि भाई हमारे मसाले हमारे होते हैं, तो ये होता है अंदर ना। तो तकरीबन मार्केट के अंदर ये जैसे फैशन वाली टी शर्ट है रिटेल के अंदर 1000 रुपये की ये बिकती है। 1000 रुपये की बिकती है? जी। इससे पहले हम शर्ट का कर चुके हैं। जी जी। तो भाई ये उन लोगों के लिए है जो पूरा कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं। ये देखें इस तरीके की जो फैशन वाली होती है टी शर्ट रिटेल के अंदर 1000 रुपये की मिलती है। उसके अंदर साइज होते हैं बाकायदा, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, स्मॉल, मीडियम, एक बंडल में, एक बंडल के अंदर इसके अंदर 5 कलर होते हैं। वो बंडल कितना होता है? 5 कलर होते हैं तो ये 20 पीस का, 20 पीस का एक बंडल होता है, एक बंडल होता है इसके अंदर, साइज तमाम होते हैं, कलर होते हैं। मेरे नए दोस्तों को क्या एडवाइस देंगे आप? नए दोस्तों को एडवाइस देंगे कि ये काम करें, काम अच्छी चीज है, लेकिन थोड़ा बहुत तजर्बा होना चाहिए इसका, तो ये तभी कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत बारीकी है, हर नया बंदा नहीं समझ सकता इसको। ये भाई बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और इस इंडस्ट्री का कोई नाम है, कोई कारखाने का नाम है? ये असल में लोकल है, लोकल के अंदर कोई नाम नहीं है। जिन जिन हम दुकानों का नाम से हम स्टीकर लगाते हैं तो उन्हीं दुकानों के नाम से उनके पास चले जाता है, हमारे अपने कारखाने का कोई नाम नहीं है। नाम नहीं है, लेकिन आप लोकेशन बताना चाहेंगे मेरे दोस्तों को? ये लोकेशन का ये है कि शफीक मोड़ से हम आते हैं, W11 वाला जो रोड है, कुलसुम होटल और गोधरा के सेंटर के अंदर मेन रोड के ऊपर है, सपूना हार्डवेयर बहुत मशहूर है यहाँ पर, उसके हम भी बराबर की, जी जी, उसके बराबर की बराबर वाली बिल्डिंग है, सही है, तो ये यहाँ पर बहुत मशहूर है, तो हर कोई मेन रोड के ऊपर आसानी आ जाता है। चलिए, डिस्क्रिप्शन में मैं जरूर लोकेशन दूंगा और भाई का नंबर भी दूंगा। बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।